अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अंडा पराठा। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वह नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने बारीक कटा हुआ आधा प्याज लिया है और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, दो अदद। थोड़ा सा हमें चाहिए धनिया, इसको बारीक काट लिया है। ये धनिया पाउडर है थोड़ा सा। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा सुर्ख मिर्च और थोड़ा सा नमक और एक अंडा। और सबसे पहले हम लोग अंडा पराठा बनाने के लिए अपना आटा गूंदते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आटा गूंदना। ये मैंने लिया है आटा, और आटा आप ज़्यादा कम जितना भी गूंद सकते हैं, तकरीबन नॉर्मल आटा ही होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है नमक और सिर्फ एक चम्मच के करीब मैंने घी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। आटे को हम लोग जैसा आम आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे, ना बहुत सख्त और ना बहुत पतला, दरमियाना। जैसे आम रोटियों का आटा गूंदते हैं वैसे ही आटा गूंदेंगे। आटा हमारा गूंद चुका है, इसको देंगे हम लोग आधा घंटे के लिए रेस्ट, और रेस्ट के बाद हम लोग अपना बनाते हैं अंडा पराठा। तो चलिए, आटा हमारा आधा घंटा हो चुका है रेस्ट किए हुए इसको। अब हम लोग अपने पेड़ा बनाएंगे और पतली सी रोटी बेलेंगे। सबसे पहले इसको मैं बेलन की मदद से बेलती हूँ। करेंगे बहुत पतली सी आप रोटी बेलें। ये देखिए, मैंने बहुत पतली सी फुल रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा थोड़ा करके, बल्कि इसको मैं हाथ से लगाती हूँ ताकि अच्छे से सारी जगहों पे लग जाए। ये देखिए, ये मैंने देसी घी लगा दिया है थोड़ा सा। थोड़ा सा और लगाऊंगी। मैंने देसी घी लगा दिया है सारी जगहों पे और अच्छे से, और अब इसको मैं, ये देखिए, फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम थोड़ा सा इस साइड पे फिर देसी घी लगाएंगे, हाफ साइड पे, फुल पे नहीं, और इसको मैं फिर फोल्ड कर दूंगी ऐसे, और इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से फिर बेलकर भड़ा कर लेंगे। बेलकर फुल भड़ा कर लिया है, लेकिन मैं अभी इसको तवे पे नहीं डालूंगी। पहले मैं फटाफट से इसका ये जो बैटर है वो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं पहले तैयार करके रखती तो वो ज़रा पतला हो जाता। तो बस इसको मैं फटाफट से तैयार करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं जो हैं इकट्ठी इसके अंदर डालूंगी जो मैंने आपको लिखवाई थी, सारी की सारी। और इसके अंदर इसको मैं मिक्स करूंगी और अंडा एक अदद जो मैंने लिखवाया था वो तोड़ कर डाल दूंगी। और इसको बहुत ज़्यादा मैं मिक्स नहीं करूंगी, हल्का सा बस करूंगी, बहुत ज़्यादा फेंटूंगी नहीं। तो चले, बस रेडी हो गया है ये हमारा। अब हम अपनी रोटी जो हमने रेडी की है इसको तवे पे डालते हैं। चले, मैं अपनी रोटी तवे पे डालती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी रोटी को तवे पे डाल दिया है और इसको तेज़ आग पर ही पकाऊंगी, एक साइड से थोड़ा सा। जब रोटी हमारी थोड़ी सी पक जाएगी तो इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। ये रोटी थोड़ी सी पक गई है तो मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ इस तरह से। रोटी थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गई है, फिर इसकी मैं पॉकेट आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए रोटी हमारी तकरीबन फूल चुकी है। अब हम लोग इसकी पॉकेट में डालेंगे ये जो अपना अंडे का बैटर है वो। ये देखें ये जो रोटी है ये हमारी खुल चुकी है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बैटर डाल देंगे, ये देखें, और इसको चम्मच से फैला देंगे ऐसे, और अपनी फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। फ्लेम को मैं काफ़ी लो कर दूंगी। सारा का सारा बैटर मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा सा रह गया ये भी मैं डाल देती हूँ, और इसको ऐसे दबा दूँगी, ये हर जगह पे चला जाएगा ऐसे। बस मज़ेदार सा हमारा अंडा पराठा तैयार होने वाला है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी। आप ऑयल लगाना चाहें, घी लगाना चाहें, कुछ भी आप लगा सकते हैं अपनी पसंद से। अब इसको मैं पलट दूंगी, इसको बार बार नहीं पलटेंगे हम लोग, ध्यान से एक ही दफ़ा पलटेंगे। ये देखें ये मैंने अपना पराठा जो है पलट दिया है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको पकाऊंगी। ये देखें बस यही एक ट्रिक है कि आप इसकी जो पॉकेट है वो बनाएं और इसके अंदर फिर ये डालें, और ये हमारा की शेप का पराठा बस बनकर रेडी होने वाला है। इसको बार बार बस ये ध्यान रखें कि आप चम्मच से थोड़े थोड़े किनारों को दबा कर पकाएंगे, क्योंकि दरमियान से तो रोटी जल्दी रेड हो जाती है लेकिन साइडों से रह जाती है। लेकिन देखिए हमारी रोटी जो है, ये हमारा जो पराठा है, ये सारी साइड से ही अच्छे से रेड हुआ है, कोई किनारा इसका जो है वो कच्चा नहीं रहा है। तो बस हमारा जो है ये एग पराठा बस रेडी होने वाला है। दूसरी साइड से रेड होता है तो मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखें एक दो मिनट हो चुके हैं, आई थिंक हमारा पराठा ये देखें दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से रेड हो गया है और हर जगह से रेड हुआ है। मोस्टली लोगों का पराठे जो होते हैं वो किनारों से कच्चे रह जाते हैं, और अगर आपको लगे कि आपका पराठा किनारों से कच्चा रह रहा है तो आप उसको दरमियान में करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा चम्मच से दबा के तो सेक लें। लेकिन हमारा पराठा तमाम साइड से बिल्कुल अच्छे से रेड हो गया है, ये देखिए दोनों साइड से। चले बस अब मैं इसको अपना फ्लेम बंद कर लेती हूँ और इसको उतार लेती हूँ। चले तो नाज़रीन ये देखिए हमारा मज़ेदार सा एग पराठा। अब मैं अब इसको आपको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा एग पराठा रेडी हुआ है। नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको वक्त पर मिल सकें। और ये देखें नाज़रीन किस कदर कुरकुरा भी बना है, ये देखें इसकी आवाज़ चेक करें आप, किस कदर कुरकुरा भी बना है, ये खस्ता बना है, ये देखें। तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।